हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सन 2016 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की है, जो मॉस्को रशिया में खेला गया था। और फ्रेंड्स, ये गेम 10th राउंड में फाबियानो क्रुआना और विश्वनाथन आनंद के बीच की है। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की फाबियानो ने C4 के साथ इंग्लिश ओपनिंग, तो आनंद ने यहाँ रिप्लाई किया रिवर्स सिसिलियन से E5, नाइट C3, नाइट F6, नाइट F3, नाइट C6। और यहाँ दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने नाइट्स को डेवलप किया G3, बिशप B4, बिशप G2, और इसके बाद यहाँ दोनों ने कैसल किया E4, नाइट पर अटैक। और फ्रेंड्स, अब यह आए नाइट कहाँ जाए। अगर वाइट अपने इस नाइट को वापस E1 स्क्वायर पर लाता है तो ये मूव काफ़ी पैसिव होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ फाबियानो ने किया नाइट G5। उन्होंने यहाँ पहले इस पॉन पर अटैक बनाया, तो आनंद ने यहाँ किया बिशप टेक C3, बी टेक C3, लेकिन इसके बाद रुक E8। आनंद ने अपने इस पॉन पर डिफेंस किया, और अब यहाँ वाइट क्या करे। एक ऑप्शन है कि वो यहाँ करे D3, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो E takes D3, और फिर इसके बाद यहाँ वाइट अपने इस नाइट को बचा सकता है अगर यहाँ ब्लैक एच पॉन को आगे पुश कर दे तो। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया था F3, E takes F3, Knight takes F3, D5। तो फाबियानो ने यहाँ किया D4, D takes C4। और फ्रेंड्स, यहाँ दोनों खिलाड़ियों की ऑलमोस्ट डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ बिल्कुल सही समय था दोनों खिलाड़ियों के लिए अपने बिशप को बाहर डेवलप करना। वो यहाँ कर सकते थे बिशप G5 और बिशप G4, और ओपोनेंट के नाइट्स पर प्रेशर बना सकते थे। लेकिन यहाँ वाइट ने किया क्वीन C2, H6, बिशप F4, नाइट E4। और फ्रेंड्स, यहाँ ये नाइट इस रुक के ऊपर है, और अगर यहाँ वाइट कर दे नाइट E5, यहाँ इस नाइट की डिफेंस को ही रोक दे, तो उसके बाद भी यहाँ वाइट को कोई बहुत ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ आनंद करेंगे Knight takes E5, Bishop takes E5, और इसके बाद यहाँ ब्लैक अपने इस नाइट को बचा लेगा D6 या F6 स्क्वायर पर। तो फाबियानो ने यहाँ अपने रुक को सेंट्रलाइज किया, Rook@A goes to D1। और इसके बाद यहाँ आनंद को मौका मिला बिशप F5 करने का, और अब यहाँ ब्लैक थ्रेट दे रहा है इस क्वीन पर एक डिस्कवर्ड अटैक बनाने की। तो फाबियानो ने यहाँ किया नाइट E5, और फ्रेंड्स, क्या यहाँ ब्लैक इस G3 पॉन को ले सकता है। अगर यहाँ ब्लैक करता है Knight takes G3 और क्वीन पर अटैक बनाता है, तो वाइट यहाँ कर सकता है E4, लेकिन अब यहाँ आनंद कर सकते हैं Knight takes F1, E takes F5, Knight takes H2, Knight takes C6, B takes C6 एंड Bishop takes H2। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ ब्लैक ने ऐसा किया होता तो उसकी सिचुएशन यहाँ बहुत बुरी होने वाली है। यहाँ पहले तो वाइट एक पीस एक्स्ट्रा है, और वहीं दूसरी तरफ ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर होपलेस है, तो इसलिए यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया Knight D6। उन्होंने क्वीन पर अटैक तो बनाया, लेकिन अपने नाइट को सेफ स्क्वायर पर प्लेस करके। तो फाबियानो ने यहाँ किया E4, बिशप पर अटैक, तो बिशप H7, क्वीन E2, Knight E7। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन से अगर फाबियानो चाहते तो अपने उस खोए हुए पॉन को वापस ले सकते थे। वो यहाँ कर सकते थे Knight takes C4, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो Knight D5, ब्लैक यहाँ इस E4 पॉन के पिन होने का फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन उससे पहले Knight takes D6, Knight takes F4, Rook takes F4, C takes D6 एंड फाइनली Rook F1। लेकिन फ्रेंड्स, ये कंडीशन ओवरऑल आप किसी भी एंगल से कंपेयर करें इक्वल ही कंसिडर की जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ फाबियानो की कैलकुलेशंस कुछ और ही कह रही हैं। उन्होंने यहाँ डिसाइड किया कि वो यहाँ अपने इस बिशप को सेक्रीफाइस करेंगे Bishop takes H6। आनंद ने यहाँ इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया G takes H6, क्वीन H5। वाइट का सबसे पहला अटैक तो ये H6 पॉन है, और वहीं दूसरी तरफ इस F2 पॉन पर वाइट के 3 जोर हैं और ब्लैक के सिर्फ 2 डिफेंस। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ आनंद क्या करे। एक पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ अपने नाइट को G6 स्क्वायर पर प्लेस करें, लेकिन फ्रेंड्स, अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट यहाँ करेगा Knight G4। वो यहाँ सबसे पहले अपने नाइट को F6 स्क्वायर पर ले जाकर ब्लैक के किंग पर डायरेक्ट अटैक बना सकते हैं। तो यहाँ ब्लैक कर सकता है King G7, लेकिन उसके बाद Queen takes H6 चेक, King H8, Knight F6, H7 स्क्वायर पर चेकमेट की थ्रेट, तो इसका डिफेंस Knight F8, E5। यहाँ वाइट इस नाइट पर अटैक बना सकता है, तो अब ये नाइट कहाँ जाएगा। नाइट को जाने के लिए C8 या फिर B5 स्क्वायर ही होगा। सपोज़ यहाँ ब्लैक अपने नाइट को C8 स्क्वायर पर ले जाता है, तो उसके बाद Knight takes H7, Knight takes H7, Rook takes F7, और अब यहाँ ब्लैक किसी भी तरह से
अगले मूव में आने वाली इस चेकमेट को नहीं बचा पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक के पास दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ अपने रुक को F8 स्क्वायर पर प्लेस करे। और फ्रेंड्स, यहाँ से अब अगर ये गेम आगे बढ़ती है और अगर वाइट यहाँ अपने नाइट को G4 स्क्वायर पर लेकर जाते हैं तो ब्लैक यहाँ कर सकता है F5, ताकि वाइट अपने नाइट को इस F6 स्क्वायर पर ला ही ना सके। वाइट को यहाँ करना ही होगा नाइट टेक्स H6 चेक, किंग G7, क्वीन G5 चेक, बिशप G6। और फ्रेंड्स, इस कंडीशन में मैं ब्लैक को थोड़ा बेटर कंसिडर करूँगा और शायद यहाँ आनंद को अपने रुक को F8 स्क्वायर पर ही प्लेस करना चाहिए था, लेकिन आनंद ने यहाँ किया नाइट F5 और उन्होंने यहाँ अपने इस नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। ही टेक्स F5, क्वीन G5, क्वीन एक्सचेंज का ऑफर। और अब यहाँ मेरे ख्याल से फाबियानो को कोई दिक्कत नहीं है क्वीन एक्सचेंज करने में। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स G5 चेक, एच टेक्स G5, F6। हालांकि फ्रेंड्स, यहाँ यह F6 पॉन काफ़ी अग्रेसिव है, लेकिन ये पॉन काफ़ी वीक भी है। इस F6 पॉन के डिफेंस के लिए अभी कोई दूसरा पॉन नहीं है। तो आनंद ने यहाँ किया नाइट E4। और फ्रेंड्स, अब अगर यहाँ वाइट करता है बिशप टेक्स E4, तो उसके बाद बिशप टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, और इस तरह से यहाँ फाबियानो इस गेम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीड पर होते। लेकिन यहाँ फाबियानो की कैलकुलेशंस कुछ और ही कहती हैं। उन्होंने यहाँ किया रुक F1, उन्होंने यहाँ इस नाइट को E4 स्क्वायर पर सेटल ना होने का डिसाइड किया। तो आनंद को यहाँ मौका मिला नाइट टेक्स C3 करने का। और फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इस पूरी गेम में आनंद का सबसे बड़ा ब्लंडर यही साबित हुआ। उन्हें यहाँ इस पोजीशन से अपने नाइट को D6 स्क्वायर पर प्लेस करना चाहिए था और आगे अपनी गेम को फर्दर डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन आनंद ने यहाँ इस C3 पॉन को लिया था अपने नाइट से और उन्होंने यहाँ पहले रुक पर अटैक बनाया। तो फाबियानो ने यहाँ किया रुक C1, नाइट पर अटैक, तो नाइट B5, बिशप टेक्स B7, रुक पर अटैक। और फ्रेंड्स, अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए? पहली ऑप्शन जो मुझे नज़र आती है कि ब्लैक को यहाँ अपने रुक को B8 स्क्वायर पर प्लेस करना चाहिए। तो अब यहाँ फाबियानो को अपने बिशप को हटाना होगा और वो अपने बिशप को बेटर होगा कि D5 स्क्वायर पर ले जाएं, ताकि वो यहाँ इस C4 पॉन पर प्रेशर को बनाए रख सके। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन से आनंद ने अपने रुक को D8 स्क्वायर पर प्लेस किया और ये मूव फ्रेंड्स आनंद को काफ़ी भारी पड़ा। लास्ट के दो मूव जहाँ उन्होंने अपने नाइट को मूव किया था और अब जब इन्होंने इस रुक को मूव किया है, ये दोनों ही मूव आनंद को काफ़ी भारी पड़ने वाले हैं। यहाँ फाबियानो ने किया बिशप C6, नाइट और रुक पर फॉक। और अब यहाँ आनंद के लिए बेस्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है? उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स C8, रुक टेक्स C8, किंग F2, नाइट C2, रुक पर अटैक, रुक D8। और फ्रेंड्स, यहाँ ये बात ऑब्वियस है कि ब्लैक रुक टेक्स C5 बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अदरवाइज रुक D8 चेक एंड मेट। यहाँ ब्लैक को बैक रैंक चेक मेट का खतरा है, तो इसीलिए यहाँ आनंद ने पहले किया बिशप E4। उन्होंने अपने किंग के लिए H7 स्क्वायर को खाली कर दिया। लेकिन इसके बाद यहाँ फाबियानो ने किया नाइट टेक्स E4, रुक E6, F6 पॉन पर अटैक। लेकिन फ्रेंड्स, आई थिंक अब यहाँ इस सब के लिए काफ़ी देर हो चुकी है। यहाँ फाबियानो ने किया रुक D8 चेक, किंग H7, किंग G1, और आनंद ने यहाँ इस तरह इस F6 पॉन को लिया। लेकिन फ्रेंड्स, फाबियानो ने यहाँ किया रुक F1 और यहाँ अब इस मूव के बाद आनंद ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक के लिए फोर्स्ड मूव है रुक एक्सचेंज करना। तो ब्लैक को यहाँ करना ही होगा रुक टेक्स F1 चेक, किंग टेक्स F1। और फ्रेंड्स, अब मुझे नहीं लगता कि इस बाकी की बची हुई एंड गेम में ब्लैक किसी भी तरह से कोई फाइट कर पाएगा। सो होपफुली फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।